हेलो स्टूडेंट्स जी, आज हमारा लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 7 हमारा था फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स के ऊपर, या क्लैडोग्राम कैसे बनाया जाता है, क्लैडोग्राम और उसके फीचर्स पर था। क्लैडोग्राम जो है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स के साथ ही रिलेटेड है, और फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स जो हमने पढ़ा था वो फर्स्ट अप्रोच थी एनिमल सिस्टमेटिक्स की। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड अप्रोच टू एनिमल सिस्टमेटिक्स, जो कि है एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स। देखें, एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें पहले उसकी जो इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उसको भी देखना पड़ेगा, उसमें और इसमें फ़र्क देखना पड़ेगा, फिर हमें एग्जैक्टली ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब देखते हैं भाई, फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स क्या था। जब किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक रिलेशनशिप उसका जीनियोलॉजिकल डेटा पर हम गौर करते थे तो उसे हम फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स कहते हैं। मतलब इसकी उसकी जेनेटिक रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई करते थे, उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स। जबकि एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स जो है, इसमें जो एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिस्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज़म्स का अब तक जो भी रिलेशनशिप एंसेस्टर से अब तक रहा है वो सारा देखा जाता है। मतलब एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके कि उसके जो अब तक करेक्टर्स आए हैं वो कैसे उसके एंसेस्टर्स में भी मौजूद थे या नहीं थे, वो सारा इसमें देखा जाता है। जैसे कि पहले मैंने आपको अभी बताया है कि इट डिपेंड्स ऑन द जीनियोलॉजिकल डेटा, जीन्स पर डिपेंड करता है उसके करेक्टर, उसके जो ट्रेट है वो उसके जीन्स में भी मौजूद है या नहीं है। और एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स की बात करें तो ये ट्रेडिशनल डेटा पर मुनहसर है। मतलब कि उसमें अगर हम यहाँ पर मैमल्स की बात करें, उसमें उनमें हेयर्स हैं या नहीं हैं, उनमें जो फोर लिम्स हैं वो वेल अडॉप्टेड हैं या फिर वो लेगलेस हैं जैसे कि स्नेक्स में होते हैं, उसकी बेस पर हम इनको, यानी कि उनके जो जनरल फीचर्स होते हैं उसको देकर हम क्लासिफाई करते हैं एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स में। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स जो है ये सारी ट्रेट्स को स्टडी करती है। मतलब इसमें उनकी आई कलर, हेयर कलर, स्किन टाइप, हर चीज़ इसमें, हर ट्रेट आ जाएगी। सिर्फ मैं ये जो जनरल मैंने अभी फीचर्स बताए हैं ये वाले नहीं, उनके इंटरनल फीचर्स में से अगर हम देखें तो उनमें, यानी कि इंटरनली कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, उनके इंटरनली ऑर्गन्स कैसे हैं, वो सारे भी इसमें देखे जाते हैं, और उनका जेनेटिक रिलेशनशिप भी देखा जाता है उनके एंसेस्टर्स के साथ या दूसरे ग्रुप्स के साथ। दूसरे नंबर पे एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स में देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट ट्रेट्स के ऊपर ही गौर करते हैं। जैसे कि हम बर्ड्स की बात करें या वही हम दोबारा मैमल्स की बात करें, मैमल्स में हेयर, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये वो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो कि मैमल्स को बाकी ग्रुप से अलहदा करते हैं, तो उस बेस पर हम उनको हम क्लासिफाई करते हैं। ये एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स का काम है। और अगर हम इसी तरह हम और एक मिसाल लें बर्ड्स की, तो उनके जो फीडर्स हैं वो उनको क्लासिफाई करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म से, उनको उससे डिफरेंट बनाते हैं। तो ये वो प्रोमिनेंट फीचर्स जो कि हम जिसे हम ग्रुपिंग करते हैं एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स में। अब जो क्लैडोग्राम है वो यूज़ होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स में डेटा को इंटीग्रेट शो करने के लिए, कि भी डेटा कैसे है, वो कैसे एंसेस्टर से अब तक कैसे स्पीशीज़ एवॉल्व हुई हैं, या फिर उनके एंसेस्टर्स कैसे थे, उनमें ये करेक्टर मौजूद था या नहीं था। इसी तरह हम अगर एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स की बात करें तो इसमें एक एवोल्यूशनरी ट्री बनाया जाता है फॉसिल रिकॉर्ड से लेकर अब तक जितने भी स्पीशीज़ मौजूद हैं ख़ास किस्म की, उनके सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स शुरू से अब तक के सारे ट्री बनाया जाता है कि वो कहाँ से, कौन से एनिमल से एवॉल्व होके आए हैं। अब क्लैडोग्राम को मैंने एक्सप्लेन लेसन नंबर 7 में अच्छे से किया हुआ है, आप वो वीडियो देख लें कि कैसे क्लैडोग्राम बनाया जाता है और उसके फीचर्स कौन से हैं। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स जो है ये सिर्फ डिराइव्ड करेक्टर स्टेट के ऊपर ही मुनहसर है, इनके ऊपर ही गौर करता है। डिराइव्ड करेक्टर स्टेट कौन से थे? देखें, करेक्टर स्टेट्स दो टाइप्स की हैं, एंसेस्ट्रल करेक्टर स्टेट और एवोल्यूशनरी सॉरी एंसेस्ट्रल करेक्टर स्टेट और डिराइव्ड करेक्टर स्टेट। एंसेस्ट्रल करेक्टर स्टेट में हम ये देखते हैं कि उनका
एंसेस्टरली और अब तक के ऑर्गेनिजम्स का क्या रिलेशनशिप रहा है, मतलब वो करैक्टर उनके एंसेस्टर्स में भी मौजूद था या नहीं था, मतलब कि वो एक करैक्टर ख़ास किस्म का उनके किसी और ग्रुप में भी होगा तो हम ये उनको उस करैक्टर की बेस पर क्लासिफाई नहीं कर सकते फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, क्योंकि वो हो सकता है उनके एंसेस्टर जो कि बहुत पुराना था उसमें मौजूद हो, लेकिन इसलिए वो जेनेटिक रिलेशनशिप उनका ठीक से नहीं बताता। अब जो है डिराइव्ड करैक्टर स्टेट क्या है, डिराइव्ड करैक्टर स्टेट में हम हुई है उनमें जो करैक्टर होता है वो डिराइव्ड करैक्टर स्टेट होता है, मतलब वो उनके पेरेंट्स में मौजूद नहीं होता, वो डिराइव्ड करैक्टर स्टेट में आता है। हम बर्ड्स की बात करें तो उनके फीडर्स हो जाते हैं जो कि उनके पेरेंट्स में मौजूद नहीं होते, सॉरी उनके एंसेस्टर्स में मौजूद नहीं हैं, वो उन्हीं को स्पेशल ही उनके लिए प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो कि उन्हीं को ही देखते हैं। और डिराइव्ड करैक्टर स्टेट हो गया। अब जो है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, इनमें दोनों चीज़ों को देखा जाता है, एंसेस्ट्रल करैक्टर स्टेट को भी और डिराइव्ड करैक्टर स्टेट को भी, मतलब इसमें वो एवोल्यूशन रिलेशनशिप एंसेस्ट्रल्स में कौन से थे और अब तक कौन से आए हैं वो भी देखते हैं, और डिराइव्ड करैक्टर स्टेट्स को भी देखते हैं कि जो अभी रिसेंटली एवॉल्व या रिसेंटली जो ट्रेट्स आई हैं जानवरों में उनको भी देखा जाता है। नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ खास दिखाता हूँ कि एवोल्यूशन सिस्टमैटिक्स कैसे हम अगर जनरली डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, दैट के एवोल्यूशन सिस्टमैटिक्स आर डार्विनियन सीक्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि वो ट्रेडिशनल मेथड्स पर ही गौर करते हैं। और ये है एक एवोल्यूशनरी ट्री क्लेडोग्राम का, मैंने लेसन नंबर 7 में आपको दिखा दिया था, और ये जो एवोल्यूशनरी ट्री है इसमें आपको दिखाया गया कि एक हम अगर हम सिर्फ ऑस्टिक थीज की बात करें जो कि जिन्हें हम बॉनी फिशिज कहते हैं, उनका फॉसिल रिकॉर्ड से अब तक क्या उनमें रिलेशन रहा है वो सारा इधर बताया गया है। ये हम एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स में इस तरीके से बताते हैं कि इस तरीके से डेटा शो करते हैं। थैंक यू।